चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी पर रविवार को महिलाओं ने सुख समृद्धि की कामना को लेकर दशा माता का पूजन किया। पूजा की थाल लिए महिलाओं ने पीपल वृक्ष की पूजा की और परिवार में सुख समृद्धि और शांति की कामना की। महिलाओं ने बताया कि इस दिन महिलाएं सूत के धागे को धारण करती हैं, जिसमें 10 गांठ लगी होती हैं। महिलाएं व्रत आराधना कर पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं और 10 परिक्रमा देती हैं। परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे, साथ ही सुहाग की लंबी उम्र की कामना को लेकर पूजा अर्चना की। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। माता त्यौहार है, होली जलती है, उसके 10वें दिन दशा माता करते हैं। सब आई उन घर की साफ सफाई सब करती है, पोचा वोचा लगा के सब साफ सफाई करके दशा माँ पिपले की पूजा करने आती है। 10 चिक्की उन 10 तरह की लगाती है और नारियल चढ़ाती है, पूजा सब पूरी करती है। फिर धागा 10 तार का लेते हैं, घर उसमें गौ बांधते हैं और दशा माता का पूजन करके बाद कहानी सुनते हैं। कहानी को क्या नाम है आपका? पुष्पा शर्मा, चमेली बाड़ी। पूजा करने आते हैं सब जन मिल के सहेली, और उनको 10 तार का धागा बांधते हैं, फेरा पीते और 10 टिपकी देते हैं और पूजा करते हैं। और 10 माता इसलिए पूजा करते हैं, नल दमयंती की कथा सुनते हैं, क्योंकि घर की दशा बदलने के लिए। जो गरीबी रहती है घर में तो उससे खुशहाली अच्छी घर में आ जाती है और गरीबी दूर होती है, इसलिए पूजा करते हैं। क्या नाम है आपका? निशा शर्मा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।